एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आज हम यहाँ पे आपका जो टॉपिक था थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट पे, ठीक है, आपके दो लेक्चर्स हम देख चुके हैं, आज आपका थर्ड लेक्चर यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आज की क्लास की बात करूँ तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे मेथड टू स्टडी इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। ये आप बेटा लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो इसके बारे में कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हो। तो हमने पढ़ने हैं कौन कौन से यहाँ पे मेथड लाइक करते हैं, ठीक है, और उन मेथड में एग्जाम में क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या देखो बेटा, यहाँ पे आपका अगर मेथड की बात करूँ तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ मेथड। कितने बोलूँगा आपके यहाँ पे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड। कि देखो दिया पर थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है, तो आपको पता कि मुझे न्यूमेरिकल वाली चीज़ें पढ़ाना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। जो आपकी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आपको बोर्ड पे लिखी हुई मिल जाती है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आप सब लोगों को आदत है पीडीएफ मिल जाए, हमें स्क्रीनशॉट लेनी है, आपको यही चीज़ों की आदत है ना, आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं है कि कोई आपको पढ़ा रहा है कैसा पढ़ा रहा है। तो ठीक है यार, मैं यहाँ प्रॉपर तरीके से साफ लिखूंगा, आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ पे साथ साथ मेरे पढ़ते रहो कि हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। अगर मेथड की बात करूँ तो तीन मेथड हैं। सबसे पहला आपका यहाँ मेथड है यूज़ मेथड, YULE, ठीक है, यूज मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहां पे आपका, यूज कोफिशिएंट मेथड। क्या बोलते हैं आपका यहां पे, यूज कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, यूज कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ध्यान से सुनना, फॉर्मूले तीनों कैसे आए हैं, मैं आपको तीनों फॉर्मूले यहाँ पे आपके डिराइव करवाऊंगा, ठीक है। सेकंड मेथड की बात करूँ, सेकंड है आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनल मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड लिख लो आप यहाँ पे ना, ठीक है। और थर्ड है आपका यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसी, कंपैरिजन ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी, कंपैरिजन ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी या कंपैरिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी मेथड। ये आपके तीन मेथड लाई करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ द, फॉर स्टडी एट्रीब्यूट एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, सॉरी फॉर इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में। अगर पहले मेथड की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपका फर्स्ट मेथड, और यही आपका डिराइव होगा, बाकी वाले भी डिराइव होंगे लेकिन बाकी वाले थोड़े इजी हैं, ये भी आपका इजी है लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे। क्या आपका पहले यहाँ पे यूज मेथड, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम क्या था आपका यहाँ पे, यूल नाम था उसका, जिसने इस मेथड को दिया था। अब क्या बताया था इसने, सबसे पहले इसने बताया था, मैं बात कर रहा हूँ कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन की, तो इसने एक कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन रखा, उसका नाम रखा क्यू, कोफिशेंट ऑफ एसोसिएशन, उसका नाम क्या रखा उसने यहाँ पे आपका, उसको क्यू से डिनोट किया और बोला कि उसकी जो रेंज है, जो क्यू की आपकी रेंज है वो हमेशा लाई करेगी आपकी वन, माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है, क्यू की रेंज हमेशा क्या लाई करेगी आपकी यहाँ पे, माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगी, किसके बीच में लाई करेगी आपकी यहाँ पे, माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगी। सो गाइस, आपने फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ा था, है ना, फ्रीक्वेंसी टेबल आप पढ़ चुके हो लास्ट क्लास में, कि फ्रीक्वेंसी टेबल आपका एक्चुअल में बनता कैसा है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बन के आता है, देखो हमने ऐसे बनाया था टू एट्रीब्यूट के लिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, यहाँ टोटल, ठीक है, यहाँ भी क्या था आपका टोटल, ठीक है, यहाँ ए, यहाँ पे आपका अल्फा, यहाँ बी, यहाँ पे क्या था बीटा, तो हमने बीच में कंबाइन कैसे किया था गाइस आपका, यहाँ पे हमने कंबाइन किया था ए बी अल्फा बी, ये क्या था आपका यहाँ पे ए बीटा, ये था आपका अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या था आपका बी, यहाँ पे क्या आता आपका बीटा, यहाँ बी आता है आपका और नीचे आता है आपका यहाँ पे बीटा, यहाँ पे आपका ए आता है,
ठीक है, यहाँ पे आपका ए और यहाँ पे क्या था आपका अल्फा, और ये क्या है आपका एन, क्या है आपका यहाँ पे एन, जिसे हम बोलते हैं आपका जीरो ऑर्डर क्लास फ्रिक्वेंसी। ये चार क्या है आपकी सेकेंड ऑर्डर है, और ये चार क्या है आपकी मेरे पास यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है। टोटल आपकी नाइन फ्रिक्वेंसीज लाई करती है, टोटल क्या आपकी नाइन, चार आपकी सेकेंड ऑर्डर है, चार आपकी यहाँ पे वन ऑर्डर है, और एक क्या है आपके यहाँ पे जीरो ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्यू का फॉर्मूला आपका डिराइव होता है, जो बेटा आपका यहाँ पे क्यू का फॉर्मूला डिराइव होता है, वो फॉर्मूला क्या है, दिस इंटू दिस, मतलब क्या बनेगा, ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस दिस इंटू दिस अल्फा बी इंटू ए बीटा अपॉन, यहां पे क्या आएगा आपका ए बी, यहां पे क्या आएगा आपका अल्फा बीटा, सेम रहेगा आपका ऊपर वाला, बस यहां पे वो क्या आ जाएगा आपका प्लस में साइन आ जाएगा, जो ऊपर साइन आपका माइनस है वो साइन नीचे क्या आ जाएगा आपका यहां पे प्लस में आ जाएगा। ये आपका लाई करता है यहां पे फॉर्मूला फॉर कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू यूज। ठीक है, q इक्वल्स टू क्या लाई करेगा आपका, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और अपॉन क्या लाई करेगा आपका यहां से a और अल्फा, सॉरी अपॉन क्या लाई करेगा, यही लाई करेगा, बस माइनस की जगह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। रेंज बता दो, कौन उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है आपकी, रेंज लाई करती है माइनस वन से वन के बीच में, यूल्स मेथड की आपकी रेंज लाई करती है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से क्या है आपका, अब क्या है, ये सबसे बेस्ट मेथड क्यों है, ये सबसे आपका बेस्ट मेथड क्यों है, ये सिर्फ बताता है टाइप कैसी है, यूज टू टाइप, ये टाइप बताएगा कि आपका इंडिपेंडेंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये भी आपका टाइप बताएगा इंडिपेंडेंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन ये क्या बताएगा, ये बताएगा आपकी टाइप के साथ साथ डिग्री, टाइप एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये बताएगा आपका यहां से मेथड। ठीक है, आई होप ये चीज इतनी आपको यहां पे क्लियर होगी होगी। अब कितनी टाइप है या कौन सी टाइप है या कितनी डिग्री है वो कैसे शो होगा, देखो यहां पे आपका सबसे पहले क्या है आपका, हम बात करें ये आपकी एक नंबर लाइन टाइप बना देते हैं हम। ठीक है, पता नहीं टेढ़ी लाइन बनी होगी तो कोई ना, 0.5 यहां आप 0.7 यहां 1, ठीक है, यहां पे क्या है आपका 0.5, ये क्या है आपका यहां पे 0.7, ये है -1, इनको भी माइनस लगा लो आप क्योंकि आपका नेगेटिव वाली साइड पे ही है ना, है ना, ये बन गया आपका यहां पे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे आपकी जीरो के लिए, अगर आपका जो q है वो कितना निकल के आएगा, जीरो, मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, अगर आपका वो जीरो निकल के आ रहा है तो इसका मतलब ये कैसा लाई करेगा, ये आपका इंडिपेंडेंस लाई करेगा, इंडिपेंडेंट लाई करेगा, क्या लाई करेगा आपका यहां पे इंडिपेंडेंट लाई करेगा। ठीक है, क्या लाई करेगा आपका यहां पे इंडिपेंडेंट लाई करेगा, ये चीज आपको यहां बता चुका हूं। ठीक है, अब क्या है उसके बाद, अगर क्यू आपका यहां पे वन आएगा या क्यू आपका माइनस वन आएगा तो क्या क्या लाई करेगा, एक चीज ये, दूसरी बात ये, अगर Q की जो वैल्यू है, ये आपका नंबर लाइन शो कर रही है Q की वैल्यू, अगर Q की वैल्यू 0 से माइनस वन के बीच में है तो ये आपका लाई करेगा कौन सा एट्रीब्यूट आपका, नेगेटिव, जब नेगेटिव एसोसिएशन बोल सकते हैं इसको ना, ये क्या लाई करेगा आपका यहाँ पे, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, यहाँ पे नेगेटिव एसोसिएशन आएगा क्योंकि हम अभी एसोसिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, वो आपका एट्रीब्यूट अलग था, ये आपका लाई करेगा यहाँ पे नेगेटिव एट्रीब्यूट, सॉरी नेगेटिव एसोसिएशन, मैं बार बार एट्रीब्यूट निकल रहा है मुझसे लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ये क्या है आपका यहां पे पॉजिटिव फिर मैं एट्रीब्यूट यहां लिख रहा हूं एसोसिएशन, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशन। ठीक है, अगर जो वैल्यू है, मैं पहले पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूं, अगर वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में है तो आप बोल सकते हो ये क्या है, ये वीक पॉजिटिव एसोसिएशन है, 0.5 से 0.7 के बीच में मॉडरेट, और यहां 0.5 से 1 के बीच में क्या है आपका हाई, किसी किसी बुक में 0.5 से 1 आपका यहां पे क्या लिखा होता है आपका हाई लिखा होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका यहां पे। ठीक है, ये आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे,
उसके बाद अगर क्या है यहाँ पे आपका वन आ रहा है तो वन पे लाई करेगा आपका कंप्लीट एसोसिएशन। इस टर्म को भी ध्यान में रखना। अब क्या बोला, वन पे क्या लाई करेगा आपका कंप्लीट एसोसिएशन। ठीक है, कुछ चीजें हैं आपको समझना जरूरी है। क्या लाई करेगा आपका यहाँ पे कंप्लीट एसोसिएशन। तो हम एसोसिएशन को दो फॉर्म में और डिवाइड कर सकते हैं, एक कंप्लीट एसोसिएशन और एक बोल सकते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, अब क्या है वैसे ही सेम यहां लाई करेगा। ये क्या है, अगर आपका ये आपका वीक है, वीक नेगेटिव एसोसिएशन, ये आपका मॉडरेट बन गया, हाई बोलो चाहे स्ट्रांग बोलो, ठीक है स्ट्रांग वर्ड सही है, स्ट्रांग वर्ड यूज कर लो। ये क्या बना आपका यहाँ पे स्ट्रांग नेगेटिव एसोसिएशन। उसके बाद क्या है, ये रेंज स्ट्रांग है लेकिन जब माइनस वन होगा, जब एग्जैक्ट क्या होगा आपका यहाँ पे माइनस वन होगा तो हम बोलेंगे इसको कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन। अब देखो यहां से देखो हमें जो बुक पे चीजें गिवन है ना उन सभी को इसी में इसी आपको ग्राफ की फॉर्म में मैं सब कुछ समझा दूंगा ना। क्या है क्यू की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन कब आएगी वैल्यू आपकी, देखो सबसे पहले तो आपका ये वैल्यू यहां पे नहीं लाई करनी चाहिए, और अगर ये वाली वैल्यू आपकी लाई करेगी तो ये काटोगे इसको इसको काटोगे आपका वैल्यू कितना आएगा माइनस वन, यही लाई कर रहा है ना आपका यहां पे। तो हम बोल सकते हैं जब आपका ए बी, ठीक है जो ए बी क्लास फ्रीक्वेंसी है और अल्फा बीटा, ये किसके बराबर होगा जीरो के, तो किसके बराबर होगा जीरो के। देखो इन दोनों में से कोई भी जीरो है आपका तो ये पूरी ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी आपकी। अगर ये टर्म जीरो होगी बचा आपका माइनस अल्फा बीटा, क्या बचा आपका यहां पे क्यू इक्वल्स टू माइनस अल्फा बी और बनेगा ए बीटा अपॉन अल्फा बी और बनेगा यहां पे आपका ए बीटा, ये बनेगी टर्म आपकी यहां से। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये आपस में कैंसिल हो गए सारे, तो क्यू कितना बन गया यहां पे माइनस वन। तो माइनस वन का मतलब क्या हो रहा है आपका यहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन। वैसे ही अगर उस वाले केस की बात करूंगा तो उस वाले केस में क्या लाई करेगा आपका जो अल्फा बी है और जो क्या है आपका यहां से ए बीटा, ये किसके को लाई करेगा आपका यहाँ पे जीरो के। ठीक है, आपका ये वाला टर्म क्या लाई करेगा इसमें से, जहां ये जीरो होगा जहां ये जीरो होगा, अगर दोनों जीरो होंगे ये वाला टर्म आपकी जीरो होगी, तो क्यू यहां से क्या बन के आएगा, हम बोलेंगे ए बी अल्फा बीटा अपॉन ए बी अल्फा और बीटा, तो ये आपस में कैंसिल हो गया तो यहां से क्यू कितना बन के आएगा आपका प्लस वन। तो इसे बोलेंगे आपका यहां पे कंप्लीट एसोसिएशन। क्या बोलेंगे, कंप्लीट एसोसिएशन, और कंप्लीट क्या बन गया आपका यहां पे डिसोसिएशन। बस इतनी ही चीजें आपको यहां पे ध्यान में रखनी है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है आपको ध्यान में रखने वाली। अब क्या हुआ, एक तो उसने टाइप बताया इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट है, जहां फिर आपका यहां पर क्या है मेरे पास सॉरी इंडिपेंडेंट है, पॉजिटिव है, जहां फिर आपका नेगेटिव एसोसिएशन है। उसके साथ साथ इसने क्या बताया आपका कि कितना डिग्री स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है, कितना अलाई कर रहा है। इसलिए ये मेथड है आपका बेस्ट मेथड, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको टाइप के साथ साथ डिग्री का भी पता चलते जा रहा है। आई होप आपको ये चीज यहां क्लियर होगी होगी। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और कोई चीज यहां पे नहीं रहनी चाहिए आपकी। हाँ, सब आपका हो गया यहां पे कवर ना। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या है, हम बात करेंगे आपका सेकंड मेथड की, जिसे बोलते हैं आपका प्रोपोर्शनल मेथड। क्या बोलते हैं आपका यहां पे प्रोपोर्शनल मेथड। अब क्या है देखो यहां पे आपका सेकंड मेथड क्या है, प्रोपोर्शनल मेथड, ठीक है, इस मेथड में क्या लाई करता है देखो, ठीक है, इस मेथड में क्या लाई करता है, आपने मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही लास्ट क्लास में, मैंने यहां पर b लिया, b इक्वल टू b है ना, ये आपको बता चुका हूं। यहां पे यार आप a लगा दो अपॉन a लगा दो, फ्रीक्वेंसी बन गया, और यहां पे क्या है, यहां पे अल्फा लगा दो अपॉन अल्फा लगा दो, ये भी क्या बन गया आपका यहां पे इस फॉर्म में लाई करता है। ठीक है, a का और आपका जो b है दोनों साइड में लाई कर रहा है, और a और अल्फा आपका यहां पे इस फॉर्म में लाई करता है। आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो इसके बारे में ना। अब क्या है यहां पे देखो आपका, अगर मैं बात करूं ये फॉर्मूला आपने कहां पढ़ा था तो आपको दिमाग में स्ट्राइक होगा, जब हमने इंडिपेंडेंट पढ़ा था, जब हमने यहां पे आपका इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट के बारे में आपका स्टडी किया था, जब इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में स्टडी किया था। अगर क्या लाई करता है आपका इधर जो ए बी है, जो यही आपको फॉर्म गिवन है ए बी अपॉन ए, ठीक है, अल्फा
बी अपॉन अल्फा, अगर दोनों बराबर हैं तो ये लाई करेगा आपका इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट। क्या लाई करेगा आपका यहाँ पे? इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट। सेकंड क्या है, अगर आपका ए बी अपॉन ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी अपॉन अल्फा, तो ये क्या लाई करेगा आपका? पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। क्या लाई करेगा? पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। और थर्ड क्या है, अगर आपका ए बी अपॉन ए इज लेस देन अल्फा बी अपॉन अल्फा, तो ये बनेगा आपका यहाँ पे नेगेटिव एसोसिएशन। इस बात को दिमाग में याद रखना। मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरा में कोई पार्ट आपका कट तो नहीं हो रहा है, ठीक है? पूरा आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये कौन सा मेथड हुआ आपका यहाँ पे? प्रोपोर्शनल मेथड। थर्ड है मेरे पास कंपेरिजन ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसी। क्या है आपका यहाँ पे? कंपेरिजन ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है? कंपैरिजन ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब क्या है, अगर क्लास फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो आप क्लास फ्रीक्वेंसी वाले केस में फॉर्मूला डिराइव कर चुके हो। वो फॉर्मूला क्या था, मैं यहां लिख रहा हूं आपका, यही आपकी जो टर्म लाई करती है। आपने पढ़ा था ए बी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा बी अपॉन अल्फा, ये पढ़ चुके हो आप यहाँ पे, है ना? और क्या पढ़ा था आपने, जब आपने कॉम्पिटेंटिव एंड डिविडेंटिव रूल लगाया था तो आपने ऊपर वालों को ऐड और नीचे वालों को ऐड किया था, वो कैसे बना था आपका यहाँ पे? ए बी प्लस अल्फा बी अपॉन ए प्लस अल्फा, यही चीज पढ़ी थी आपने यहाँ पे। इस वाले में आपका ए और अल्फा कैंसिल, बचेगा सिर्फ आपका सिर्फ बी अपॉन, इसमें क्या बचता आपका सिर्फ यहाँ पे एंड, क्योंकि ए की फ्रीक्वेंसी और ए की ना होने की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है आपकी? टोटल फ्रीक्वेंसी के, एन बना। आप क्या करते हो यहाँ पे, इस वाली टर्म को इससे कंपेयर करते हो तो बनता है ए बी अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन एन। यहाँ से फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ था आपका? फॉर्मूला बना था ए बी डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए यहाँ पे आपका ए बी अपॉन एन, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हुआ था, है ना? अब क्या है यहां पे, क्या लाइक करना आपका, अगर आपका जो ए बी है वो इक्वल टू ए फ्रीक्वेंसी बी फ्रीक्वेंसी अपॉन एन, तो आपका बनेगा इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट। इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट या इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। सेकंड क्या है आपका यहां पे, अगर आपका जो ए बी है वो ग्रेटर देन है ए बी अपॉन एन के, तो आपका बनेगा यहां पर क्या? पॉजिटिव एट्रीब्यूट, पॉजिटिव एट्रीब्यूट। और अगर ए बी क्या है आपका यहाँ पे, लेस देन है ए से बी अपॉन एन से, ये है आपका यहाँ पे नेगेटिव एट्रीब्यूट। देखो आपको गाइस इन पे एग्जाम में न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम हैं, नहीं आएंगे आप न्यूमेरिकल बात करो, लेकिन आपको डायरेक्टली यहाँ पूछ सकते हैं कौन सा मेथड आपका बेस्ट है, क्यू की वैल्यू कितनी लाई करी है, क्यू का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रॉन्ग कहाँ है, वीक कहाँ है, कंप्लीट एसोसिएशन कहाँ होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन कहाँ पे होता है आपका, ठीक है? प्रोपोर्शनल मेथड में कौन सी टर्म यूज हो सकती है, क्या पता आपको एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये दिया हो, बोले कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होता है आपका प्रोपोर्शनल में, वो आपने देखना है, और कंपैरिजन में कौन सा यूज होता है फॉर्मूला आपने देखना है, इंडिपेंडेंट कब है, पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, ये चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए। आई थिंक मैंने यहां पे जितना भी पार्ट था आपका कवर कर दिया है। तो आपको इन चीजों में क्या पता लगा कि तीनों फॉर्मूले आपके नेचर द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट को फाइन करने के लिए तो यूज हुए, लेकिन एक ही मेथड यहां पे यूज हुआ डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए, वो क्या है मेरे पास यहां पे आपका यूज मेथड। क्लियर गाइस? So, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी जरूरी वो हमने सारी पढ़ ली हैं। ये आपकी एट्रीब्यूट की थर्ड क्लास रही गाइस, जो कल क्लास आई थी, ठीक है? जो आपको नेक्स्ट क्लास आने वाली है, ये तीनों क्लास मैंने आज ही रिकॉर्ड की है, ठीक है? क्योंकि यार मैं एक दो दिन शायद क्लासेस नहीं ले पाता, तो आज अब देख रहे हो अभी नियर अबाउट 3:30 AM हुआ अभी टाइम ना, सो मैं अभी कोशिश करूंगा कि आपकी तीन वीडियोस रखूं ताकि मंडे को जब भी मैं वापस आऊं मैं आपका कॉन्टिन्यूस वीडियो आपको अपलोड करते रहूं। क्लियर गाइस? सो खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में कुछ आपके ऑब्जेक्टिव देखेंगे बेस ऑफ एट्रीब्यूट पे, ठीक है? फिर आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वाइटल इवेंट स्टडी, फिर उसके बारे में हम आपका लेके लेक्चर लेके आएंगे।
क्लियर गाइस। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि बहुत कम टाइम है, जो भी आपके पास के जो आपके नियर एंड डियर्स हैं उनके साथ वीडियोस को शेयर करो ताकि उनको फायदा मिल सके स्टैट्स के बारे में, ठीक है। स्टैट्स अभी कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता है प्रॉपर तरीके से, मेरी कोशिश यही रही है कि मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से दूँ। साथ में मॉक टेस्ट है आपका आज, ठीक है, आज का मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से देना। आज मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में संडे को वीडियो आपका अपलोड होगा, ये तो आपका मॉक है, मॉक प्रॉपर तरीके से देना, ठीक है। सैटरडे को आपको, सॉरी सैटरडे है आज आपका, सैटरडे को मॉक आपका अच्छे से देना। जितने भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं मैंने उसी के अकॉर्डिंग मॉक बनाया गया है, और एक या दो दिन में आपको कुछ एक एक्स्ट्रा सरप्राइज मिलने वाला है, ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए जो कि मॉक टेस्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर गाइस, सो खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।